Hello everyone, welcome to your own gardening channel. In today's video I am here to show you how we can grow alocasia cucullata from their rhizomes. ये alocasia cucullata जो है उसके rhizomes हैं जो मैंने mother plant जो है उसे collect किए हैं. And alocasia cucullata is a evergreen flowering plant and it is native to tropical Asia. Scientifically it is known as alocasia cucullata. And in her classification it is known as alocasia, and commonly it is known as dancing elephantaria and Chinese taro and Buddha's hand bee isko bola jata hai. If they are growing in very suitable environment they can grow up to 45 to 90 centimeters in height, and inki jo space hai wo depend karti hai ki how healthy they are growing, and it belongs to the family of Araceae. Aur indirect bright sunny locations mein उनको ये प्रेफर करते हैं ग्रो होने के लिए. उनमें ये हेल्दी ग्रो होते हैं और इनके जो प्रोपोगेशन है बहुत इजी है. आप सिंपली इनको इनके जो राइजोम्स हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है अपने राइजोम्स हैं उनसे डेवलप होते हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी हेल्दी स्पेस जो है वो भी क्रिएट कर लेते हैं. तो इनके राइजोम्स जो हैं उनके डिविजन जो है बेस्ट चॉइस है इनको रीग्रो करने के लिए. तो ये कुछ राइजोम्स जो हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो अभी आज इनको मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, रीग्रो करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करता जाऊँ. और पेस्ट वगैरह जो हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं जब ये समर मंथ्स में अपने फ्लावर्स जो हैं क्रीमी वाइटिश जो हैं ये फ्लावर्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इन समर मंथ्स. तो जब ये अपने फ्लावर्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनके ऊपर स्केल इंसेक्ट्स, एफर्ट्स, मालीबैग्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं. तो जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि आप सिंपली उनके लिए लिक्विड डिटर्जेंट और नीम ऑयल जो है उसके मिक्सचर का स्प्रे करें तो वो रिमूव हो जाते हैं. और फर्टिलाइज़र अगर आप इनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, हैवी फीडर्स होते हैं ये फर्टिलाइज़र्स जो इनको ये लाइक करते हैं, तो आप सिंपली इनको ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं देयर ग्रोइंग सीजन्स. और आप इनको स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इनको एनपीके जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये हेल्दी ग्रो करते हैं. तो अभी चलते हैं अपने वर्क स्टेशन पे और ये राइजोम्स जो हैं इनको रिपोर्ट करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन सा सॉइल मिक्स जो है ये लाइक करते हैं. सैंडी लूमी वेल ड्रॉइंट सॉइल मिक्सेस जो हैं उनको ये प्रेफर करते हैं, तो उनमें ये हेल्दी ग्रो होते हैं. और इसके अलावा इसका जो मदर प्लांट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जितने भी मेरे पास इसके प्लांट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स जो हैं वो मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा. और ये वाले राइजोम्स हैं इनको रिपोर्ट करते हैं. सो लेट्स गो. जी व्यूअर्स, ये एलोकेशिया कुकलेटा जो है उसका मदर प्लांट है और इसको मैंने गार्डन ग्राउंड जो है उसके अंदर प्लेस किया हुआ, और ये हेल्दी ग्रो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं. और काफ़ी हेल्दी ब्रांचेस जो हैं इसने प्रोड्यूस किए हैं. जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको प्लांट किया था इट वॉज जस्ट लाइक अ सिंगल स्टेम, और अभी आप इसके ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं. कुछ लीफ जो हैं वो डेड हो चुके हुए हैं, इनको आप सिंपली क्लीन कर सकते हैं, आप सिंपली इनको रिमूव कर सकते हैं और ये इजली रिमूव हो जाते हैं. और यहाँ पे आपके लिए आप लोगों से शेयर करने के लिए एक राइजोम जो है वो मैंने जो है वो सेपरेट किया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि ये भी हेल्दी ग्रो कर रहा है. इन फ्यूचर विद इन अ फ्यू डेज़ ये अपने जो लीव्स हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्राइसम जो है वो अपने लीव्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है. और यहाँ पे भी एक प्लांट जो है हेल्दी ग्रो कर रहा है. तो ये इसी तरह जो ग्राउंड है सॉइल मिक्स है उसके अंदर अपने राइजोम्स जो हैं वो डेवलप करते रहते हैं और वहाँ से ये प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते रहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 और 4 अभी 4 जो हैं इसने जो प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं
और यहाँ पे भी आप उनके राइसम्स जो हैं वो देख सकते हैं। और ये सिंगल प्लांट है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका स्टेम जो है वो भी हेल्दी ग्रो कर रहा है। और ये सिंगल प्लांट जो है ये ग्रोअर है और इसने आगे से डिविजन्स की हुई हैं। और यहाँ पे भी ये प्लांट जो है अपने राइजम्स जो है उसे डेवलप हो रहा है, हेल्दी ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे भी इसने एक ब्रांच जो है प्रोड्यूस की है, यहाँ से भी ये स्प्लिट होके टू ब्रांचेस जो हैं उसमें कन्वर्ट हो रहा है। और ओवरऑल हेल्थ जो है उसकी गुड है, प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे इसका जो राइजम है इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ से मैंने कुछ राइजम्स जो हैं इस पोर्शन से मैंने कलेक्ट किए थे, वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर कर चुका हूँ। और ये वाला प्लांट जो है इसको मैंने छोड़ दिया था ताकि यहाँ पे भी ये इसकी ग्रोथ जो है वो डेवलप हो सके। और यहाँ पे ये इसका मदर प्लांट है, आप देख सकते हैं हार्ट शेप्ड लीफ होते हैं इनके, ब्यूटीफुल लीफ होते हैं। और समर मंथ्स में जो है ये अपने जो लीव्स हैं इनके बीचों बीच एक स्टेम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ऊपर ये अपने फ्लावर्स जो हैं उनके साथ ब्लूम करता है। और आई थिंक एलोकेशिया जो है उसके जो फ्लावर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और इन फ्यूचर जब ये अपना फ्लावर प्रोड्यूस करेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं अपने वर्क स्टेशन पर और इनके जो राइजम्स हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, रीग्रो करते हैं। सो लेट्स गेट डर्टी। जी व्यूअर्स, वी आर एट अवर वर्क स्टेशन और यहाँ पे जो ये मोती है इसने आके मुझे डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। ओए बाय बाय बोल दे, बाय बाय बोल दे, गो 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 मोती मोती, ओहो गो गो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इनके जो राइजम्स हैं वो शेयर करता जाऊँ। ये एलोकेशिया जो है उसका राइजम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको मैंने फॉर अ वीक मैंने इनको इनके जो स्कार्स हैं उनको ड्राई होने के लिए इनडायरेक्ट जो लाइट है उसमें मैंने प्लेस किया हुआ था। और यहाँ पे ये जो है ड्राई हो चुके हैं, इनके स्कार्स जो हैं वो हील हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो न्यू लीफ है वो भी डेवलप हो रहा है। तो अभी बाकी के जो राइजम हैं वो भी चेक करते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। ये राइजम जो है ये भी अपना स्कार जो है वो हील कर चुका हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टिल ग्रीन है। और इसको अभी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और इसके लिए जो कंटेनर मैंने चूज़ किया है उस कंटेनर में मेरे पास ओहो गो मोती गो, इसमें मेरे पास जो है वेल ड्रेन कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी बेस के अंदर जो होल्स हैं तो इसको कवर करने के लिए आप गार्डन स्क्रीन जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर गार्डन स्क्रीन जो है वो ऐड कर रहा हूँ ताकि जो हमारा सॉइल मैटर है वो वाटर के साथ फ्लो नहीं कर जाए। और इस तरह मैंने जो स्क्रीन है वो प्लेस कर दी है। और इसके लिए जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें मेरे पास जो है मेच्योर्ड काऊ डंग है इसकी बेटर न्यूट्रिशन के लिए, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। और मेरे पास जो है सैंडी लूमी सॉइल मिक्स है। तो इस मिक्सचर में मैं अपने इस एलोकेशिया के जो राइजम्स हैं उनको प्लेस करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं सॉइल मिक्स जो है उसको रेडी करता हूँ और इस कंटेनर के अंदर जो राइजम्स हैं वो प्लेस करते हैं।
जी व्यूवर्स, हमारी जो एलोकेशन है उसके जो राइजम्स हैं वो प्लेस किए जा चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर का जो साइज़ है आलमोस्ट 5 to 6 inches है। तो इसके मिड के अंदर जो है मैंने राइजम्स जो हैं वो प्लेस किए हैं और सॉइल मिक्स के साथ इसको कवर कर दिया। आप जब भी एलोकेशिया के राइजम्स जो हैं वो प्लेस करेंगे, आप इनको सॉइल मिक्स के अंदर जो है 2 to 3 inches 4 inches जो है वो डीप आप इसको जो है प्लेस करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास पॉट कौन सा है। तो 4 to 3 inches जो है वो मैक्सिमम स्पेस जो है इसके लिए होनी चाहिए। सॉइल मिक्स के अंदर आप इसको डीप जो है वो बैरी कर देंगे। और अभी हमारे जो राइजम्स जो हैं वो प्लेस किए जा चुके हैं, अभी मैं इनकी वाटरिंग कर दूंगा और उसका इंटरेक्ट ब्राइट सन लोकेशन पर डिस्प्ले कर दूंगा ताकि ये प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हो सकें और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। जी व्यूअर्स, आफ्टर 16 डेज जो राइजम्स मैंने प्लांट किए थे डांसिंग एलिफेंट एरिया के, वो स्प्राउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 nodes जो हैं उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, 2 plants जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं और इन फ्यूचर देखते हैं ये प्लांट जो है वो कितना हेल्दी डेवलप होता है। अभी अपना जो लीफ है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे भी टाइनी एक प्लांटलेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर ये प्लांट जो है वो कितना हेल्दी डेवलप होता है। जी व्यूअर्स, आफ्टर 22 डेज आप देख सकते हैं कि डांसिंग एलिफेंट एरिया जो है उसने अपने लीव्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर लिए हैं, हेल्दी ग्रो कर रहा है, ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है और यहाँ पे एक लीफ जो है इसने प्रोड्यूस किया हुआ और सेकंड लीफ जो है ये डेवलप कर रहा है और यहाँ पे जो सेकंड प्लांट है वो भी अपना लीफ जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और जो थर्ड प्लांट जो था आई थिंक वो रोट हो चुका हुआ या डेड हो चुका हुआ है, उसने अभी तक कोई साइन जो है वो शो नहीं किया, लेकिन हमारे जो 2 plants हैं वो हेल्दी ग्रो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं इसको। तो हमारा जो राइजम से ग्रो करने का जो एक्सपीरियंस था वो सक्सेसफुल रहा है। हम ऑलमोस्ट जो है वो 100% जो सक्सेसफुल हैं उसमें। जी व्यूअर्स, आफ्टर फ्यू मोर डेज आप देख सकते हैं कि जो हमारे डांसिंग एलिफेंट एरिया हैं वो प्लांट्स हैं वो हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। जो थर्ड राइजम हम लोग ने प्लांट किया था वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो सका और जो हमारे 2 plants जो डेवलप हुए हैं वो आप लोगों के सामने हैं, ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं। जो फर्स्ट 1 plant था उसने ये भी उसका थर्ड लीफ है जो प्रोड्यूस कर रहा है ये और इसके लीव्स जो हैं वो भी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं और जो सेकेंड प्लांट था उसका जो एक लीफ है वो इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है और यहाँ से ये सेकंड लीफ जो है ये स्टार्ट कर रहा है और इन फ्यूचर ये भी अपने जो न्यू ग्रोथ है वो डेवलप कर लेगा। ओवरऑल हेल्थ जो है वो प्लांट्स की अच्छी है, हेल्दी ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी अपने गार्डन में इस ब्यूटीफुल प्लांट को जो है वो ज़रूर स्पेस दें और आई होप के आप ये देख चुके होंगे कि कैसे ईजिली जो है हम लोग इनको राइजम्स जो हैं उनको डिवाइड करके उनसे इस ब्यूटीफुल प्लांट को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आपको एलोकेशिया कुकुलाटा के रेफरेंस से जो मेरी इन्फॉर्मेशंस हैं, मेरा जो वीडियो वो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एलोकेशिया कुकुलाटा जो है उसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से आई थिंक ऑल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से रिक्वायर्ड हो तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।